गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज बात करेंगे सी एफ जी की ठीक है तो सी एफ जी की अगर बात करें तो बेसिकली मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिम्प्लीफाइड ग्रामर यानी कि ग्रामर को सिंप्लीफ़ाई करने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे सपोज मेरे पास ग्रामर है जहाँ पे अपन ने देखा कि ग्रामर uh, में बेसिकली चार टपल होते हैं या चार टपल होना मैंडेटरी है मस्ट है अगर चार टपल में से एक भी अगर नहीं होगा तो मैं बोल दूँगा कि वो ग्रामर नहीं है जैसे ग्रामर के चार टपल अपन बात करें जी जी इजिकल टू वी एंड टी पी एस यानी कि वी सेट ऑफ़ वेरिएबल्स है मेरे पास टी सेट ऑफ़ टर्मिनल्स है यहाँ पे पी मेरे पास प्रोडक्शन रूल्स हैं सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स हैं एस मेरे पास स्टार्टिंग सिंबल है तो ये ग्रामर है अब मैं अगर मैं ग्रामर की सिंप्लीफिकेशन की बात करूँ तो बेसिकली सिंप्लीफ़िकेशन के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है मतलब ऐसा मैं कर क्यों रहा हूँ जब मेरे पास ऑलरेडी एक ग्रामर है तो मैं उसे सिंप्लीफाई क्यों कर रहा हूँ ठीक है तो उसके पीछे रीज़न है कि जहाँ पर मेरे यूजलेस प्रोडक्शन है मतलब अगर सपोज मेरे पास एल एक लैंग्वेज है एक एल लैंग्वेज है वहाँ पे में सपोज़ एक स्ट्रिंग है या दो स्ट्रिंग है या पाँच हैं दस हैं इनफाइनाइट है, है। यानी कि लैंग्वेज हमेशा क्या होती है सेट ऑफ़ स्ट्रिंग्स तो अगर कोई भी स्ट्रिंग है और उस ग्रामर से अगर मैं देख रहा हूँ तो ग्रामर से ऑब्वियसली कोई ना कोई लैंग्वेज जनरेट होगी यानी लैंग्वेज क्या होता है सेट ऑफ स्ट्रिंग यानी बहुत सारी स्ट्रिंग जनरेट हो रही होंगी ठीक है तो ऐसी ग्रामर है ऐसे प्रोडक्शन रूल्स हैं जो कोई किसी न किसी एक पर्टिकुलर स्टिंग को तो ड्राइव कर ही पा रहे हों तो मैं बोलूँगा उनको कि वो ग्रामर यूज़फुल है अगर उसमें बहुत सारे प्रोडक्शन ऐसे हैं जो कभी भी यूज में नहीं आ रहे मतलब किसी पर्टिकुलर स्टिंग को वो ड्राइव कर ही नहीं रहे हैं तो मैं उनको बोलता हूँ यूजलेस प्रोडक्शंस तो इस तरह के प्रोडक्शंस अगर हैं जो कभी भी यूज में नहीं आ रहे मैं उनको हटा दूँ ठीक है या जो नल प्रोडक्शन से मैं उनको उठा दूँ या यूनिट प्रोडक्शन से मैं उनको उठा दूँ तो मेरे पास हटाने के बाद जो ओरिजिनल ग्रामर में ऐसे मैं उनको रिमूव कर दूँ हाँ रिमूव करने के बाद भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो ग्रामर का जो सिम्प्लीफाइड ग्रामर है उसकी डेफिनेशन बदल जाए या उसकी लैंग्वेज जनरेटेड लैंग्वेज वही चेंज हो जाए ऐसा नहीं होना चाहिए मतलब वो दोनों इक्वलेंट यानी कि जो ऑरिजिनल ग्रामर है और जो सिंप्लीफाइड ग्रामर है वो दोनों कैसी होनी चाहिए इक्वलेंट होनी चाहिए ठीक है चलिए देख लेते हैं इसको इन अ सी एफ जी इट मे हैपन दैट ऑल द प्रोडक्शन रूल्स एंड सिम्बल्स आर नॉट नीडेड फॉर द डेरीवेशन ऑफ स्टिंग्स ठीक है हो सकता है कि ऑल द प्रोडक्शन रूल्स एंड सिम्बल्स आर नॉट नीडेड मतलब जरूरत ही नहीं पड़े फॉर द डेरीवेशन ऑफ स्टिंग्स मतलब पर्टिकुलर डेरीवेशन के लिए अपन को हो सकता है जरूरत पड़े हो सकता है जरूरत न पड़े ठीक है बिसाइड्स इसके बावजूद देयर मे बी सम नल प्रोडक्शंस एंड यूनिट प्रोडक्शंस इसके अलावा और अपन के पास हो सकता है कि नल प्रोडक्शंस हों या यूनिट प्रोडक्शंस हों एलिमिनेशन ऑफ दीज प्रोडक्शंस एंड सिंबल इज़ कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्टेक्ट फ्री ग्रामर ठीक है अगर मैं इस तरह के जो प्रोडक्शंस हैं मैं उनको एलिमिनेट अगर मैं कर रहा हूँ तो इस प्रोसेस को मैं क्या बोलूँगा सिम्प्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर ठीक है कॉन्टेक्ट फ्री ग्रामर सिंप्लीफिकेशन इसेंशियली कंप्राइज़ेज़ ऑफ द फॉलोइंग स्टेप बेसिकली जो जो मेरे पास प्रोसेस है ये कितने पार्ट्स में कम्प्राइज करेंगे अपन इसको या कितने स्टेप्स में कंप्राइज करेंगे वो है तीन ठीक है पहला है यहाँ पे देख पा रहे हैं आप रिडक्शन ऑफ कॉन्टेक्ट फ्री ग्रामर ठीक है रिडक्शन ऑफ कॉन्टेक्ट फ्री ग्रामर दूसरा है रिमूवल ऑफ़ यूनिट प्रोडक्शंस अगर मेरे पास यूनिट प्रोडक्शंस हैं तो मैं उनको रिमूव करूँ नेक्स्ट है मेरे पास नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शंस ठीक है रिडक्शन ऑफ़ सी अगर मैं बात करूँ तो सी एफ़ जी आर रिड्यूज इन टू टू फेजेस पहला है फेज वन डेरीवेशन ऑफ़ एन इक्वलेंट ग्रामर जी डैश फ्रॉम द सी एफ जी जी सज देट ईच वेरिएबल ड्राइव सम टर्मिनल टर्मिनलिस्टिंग अगर ऐसा कुछ है तो मैं उसको बोलूँगा कि अगर वेरिएबल्स हैं मैं सबसे पहले वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करूँ कि कौन से कौन से वेरिएबल हैं जो यूज में नहीं आ रहे हैं ठीक है उनको उठाऊँ नेक्स्ट जैसे डेरिवेशन प्रोसीजर है स्टेप वन में अपन बात कर रहे हैं कि जैसे इंक्लूड ऑल सिम्बल्स डब्लू वन देट ड्राइव सम टर्मिनल एंड इनिशियलाइज आई इज टू वन मैंने वन से इनिशियलाइज करा इस्टेप टू की अगर बात करें तो इंक्लूड ऑल सिंबल्स सारे के सारे सिंबल्स मैं इंक्लूड करूँगा डब्लू आई प्लस वन देट ड्राइव डब्लू आई जो डब्ल्यू आई को ड्राइव कर रहे हैं मैं उसको प्लस कर दूं स्टेप नंबर थ्री में मैं क्या करूँगा इंक्रीमेंट आई एंड रिपीट स्टेप टू अंटिल कब तक रिपीट करता रहूँगा जब तक डब्लू आई प्लस वन इजिकल टू डब्ल्यू आई ना हो जाए ठीक है स्टेप फोर है इंक्लूड ऑल प्रोडक्शन रूल्स दैट हैव डब्लू आई इन इट ठीक है देन फेज़ टू की अगर बात करें तो फेज़ टू में डेरिवेशन ऑफ एन इक्वलेंट ग्रामर जी डबल डैश फ्रॉम द सी एफ जी जी डैश सच दैट ई सिंबल अपीयर इन अट सेंटेंशियल फॉर्म ठीक है डेरिवेशन प्रोसीजर है इसका भी एक पर्टिकुलर डेरिवेशन प्रोसीजर है जो जैसे अपन ने लास्ट टाइम लिया था डब्लू डब्ल्यू वन यहाँ पर लेंगे वाई वन और एनिसलाइज करेंगे आई इजिकल टू वन से आई इंक्लूड ऑल सिंबल्स वाई आई स्टेप टू की अगर बात करें तो वाई आई प्लस वन देट कैन बी ड्राइव फ्रॉम वाई आई एंड इंक्लूड ऑल प्रोडक्शन रूल दैट हैव बीन अप्लाइड ठीक है स्टेप थ्री की बात करें इंक्रीमेंट आई एंड रिपीट स्टेप वही वही अपन अपन प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं ठीक है कब तक फॉलो करेंगे डब्ल्यू आई प्लस वन इजिकल टू आई ना हो जाए डब्ल्यू आई ना हो जाए ठीक है प्रॉब्लम है सपोज अपन के पास प्रॉब्लम है जैसे ही प्रॉब्लम यहाँ पर कि फाइंड अ रिड्यूस्ड ग्रामर इक्वलेंट टू द ग्रामर जी हैविंग प्रोडक्शन रूल्स प्रोडक्शन रूल्स हैं यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना है अपन को प्रोडक्शन रूल्स अज दैट एस टेंस टू ए सी स्लेश दूसरा प्रोडक्शन रूल है ए टेंस टू ए तीसरा प्रोडक्शन रूल है सी टेंस टू सी स्लेश सी नेक्स्ट प्रोडक्शन रूल है ई टेंस टू ए स्लेश ई सॉल्यूशन की अगर बात करें तो फेज वन में अपन देखेंगे टर्मिनल्स यहाँ पे दिख रहे हैं अपन को ए सी ई डब्लू वन की अगर बात करें तो ए सी ई e, यहाँ पे फ्रॉम रूल्स ए टू ए सी टू सी एंड ई टू ए ठीक है डब्लू टू की अगर बात करें तो यहाँ पे यूनियन करेंगे यानी कि जो रूल नंबर एस टेंस टू ए सी यानी कि मेरे पास जो स्ट्रिंग दे रहे हैं और जो स्ट्रिंग नहीं दे रहे मैं दोनों को क्या मान लूँ जो स्ट्रिंग दे रहे हैं उसको डब्ल्यू वन माना है मैंने स्ट्रिंग नहीं दे रहे है मैंने उसको डब्लू टू माना और मैंने यूनियन कर दिया अब डब्लू थ्री देखिए यूनियन डब्लू थ्री क्या आ रहा है यहाँ पर ए सी ई -E एस यूनियन एप्सलन फाइव ठीक है सिंस डब्लू टू इक्वल टू डब्लू थ्री ठीक है वी कैन ड्राइव जी डैस एज अब मैंने जी डैस निकाला तो ए सी ई पी एस ए सी ई एस आ गया वेयर अब नया जो प्रोडक्शन रूल्स है मेरे पास एस टेंस टू ए सी ए टेंस टू ए सी टेंस टू सी ई टेंस टू ए स्लेश ई अब फेज टू में मैं गया बाई वन मेरे पास एस है बाई टू मेरे पास एस ए सी है फ्रॉम रूल एस टेंस टू ए सी ठीक है नेक्स्ट है बाई थ्री मेरे पास बाई थ्री यहाँ से मिल गया मुझे बाई फोर मिला मुझे सिंस बाई थ्री इजिकल टू बाई फोर तो वी कैन ड्राइव जी डबल डैश एस किस तरीके से ड्राइव कर सकते इसको जी डबल डेस एस इस तरीके से ड्राइव करा जाएगा वेयर पी सज that एस टेंस टू ए सी ए टेंस टू ए सी टेंस टू सी रिमूवल अगर इसको अब यहाँ पे देखिए जो मेरे पास ग्रामर थी जो मेरे पास प्रॉब्लम थी उसमें प्रॉब्लम में क्या है कि यूजलेस प्रोडक्शन आ रहे थे या रिडक्शन मैंने किस तरीके से किया कि अगर कोई यूज में नहीं है तो मैं उसको वहाँ से हटा दूँ अब देखिए जो ग्रामर थी यहाँ से ई टेंस टू ए स्लेस ई ये वाला प्रोडक्शन रूल हट गया है बी यूज में नहीं आ रहा था तो मैंने बी को भी हटा दिया ठीक है तो ये इस तरीके से अपन यहाँ पर देखेंगे सिंप्लीफाई जो सिम्प्लीफाइड ग्रामर है ये हो के आई है ठीक है थैंक यू